Now I know the art of writing, the passion of reading, and inspiration of living life. So this book gave me a hope. And hey guys, another day, another vlog. मैं ये book read कर रही थी जो मैंने Amazon से order की थी. Everything is fucked. A book about hope. So जैसे कि मैंने कहा था, इसके reviews बहुत अच्छे हैं. मैंने केवल 12 पन्ने पढ़े हैं and I'm really mesmerized. जो author है वो अपने और reader के बीच इतनी अच्छी connectivity अपनी writing skills से कर रहा है कि मुझे लग रहा है ऐसे मेरे साथ कोई बात कर रहा हो, मुझे कुछ explain करने की कोशिश कर रहा हो और मेरे साथ पर्सनल कनेक्ट कर रहा हो कि हाँ. और इसमें सबसे अच्छी कनेक्टिविटी की ये बात है कि मैंने आई एम नॉट अ रीडर, मैं रीडर नहीं हूँ और ना मैं कभी बुक रीडिंग पसंद करती हूँ. बट दिस इज़ माय फर्स्ट बुक, क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना है और मुझे कुछ ऐसा रीड करने का मन था जिसमें मैं अपने आप को फाइंड कर पाऊँ, अपने वे को फाइंड कर पाऊँ. तो अ बुक अबाउट होप is really a great thing. कि आप कितनी भी difficult situation हो, आप उसको convert करें अपने hope में. So ये book उसको explain बहुत अच्छे से करती है. So now I'm going to enjoy my coffee and read this book a little bit more. उसके बाद मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ connect रहें. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for daily updates. मैं रोज ऐसे videos upload करने की सोच रही हूँ. I hope आपको ये पसंद आए. So तो अभी अभी जस्ट कॉफ़ी और बुक रीडिंग वाला सेशन ख़त्म किया मैंने. और मैं आपको बता दूं कि नायका पे पिंक हॉट सेल चल रही है, जिसके मुताबिक तहत या आप कुछ भी बोल लें, मैंने अपनी पूरी सेविंग और अर्निंग खर्चा कर दी है. यस, आई अर्न एज अ मेकअप आर्टिस्ट, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट. और मैंने अपनी सारी सेविंग और अर्निंग खर्चा कर दी है. लोग कहेंगे यार क्या कितने पैसे खर्चा कर रही हो, तो लेट मी टेल यू, मुझे बताना बहुत ज़रूरी है कि मेरे खुद के पैसे हैं. सो गेस गाइस कि मैंने कितने पैसे उड़ाए होंगे उस नायका सेल में. गेस, मैंने पूरे 7,000 रुपये का शॉपिंग की है. 7,000, यस 7K इज़ इन अ बिग अमाउंट फॉर मी. ऐसी चिंदी हूँ ना मैं, लेकिन फिर भी मैंने 7,000 उड़ा दिया यार. मुझे समझ नहीं आ रहा है इतने का मैंने इतनी शॉपिंग की है इस मंथ, इतनी शॉपिंग की है. एक तो ये मेरा प्लांट ऑब्सेशन, और उसके बाद ये फिर मेरा मेकअप ऑब्सेशन, और फिर मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट और बाकी सारी चीज़ें. आई डोंट नो मेरे पास कितने ऑब्सेशंस हैं, मेरे पास कितने पैशन है परस्यू करने के लिए. मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ गाइस कि मैं किस फील्ड में, मतलब यार मैं इस एक तरीके से देखा जाए तो आई एम मल्टी टैलेंटेड, कि मैं सारा काम कर लेती हूँ. जिनको गाइस आई एम सो मच एक्साइटेड, मैं अभी अपना स्टूडियो भी रेनोवेट करने वाली हूँ. मैंने इतना सारा मैसिव अमाउंट खर्च किया है, आई होप मैं इसका फुल यूटिलाइजेशन कर पाऊँ और आपके साथ शेयर कर पाऊँ. जो मैंने ऑर्डर किया है वो तो आपके लिए सरप्राइज है, बट लेट मी टेल यू कि मैंने हुडा ब्यूटी का भी एक आई शेडो पैलेट ऑर्डर किया है एंड दिस इज रियली एक्सपेंसिव. उसी की वजह से अमाउंट जो है वो उतना एक्सीड हो गया है. सो गाइज आई एम सो मच एक्साइटेड, मैंने इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर की हैं यार. अमेजोन से भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हैं, दो तीन चीज़ें. मैं इस बार हॉल अच्छे से, एकदम मस्त तरीके से हॉल बनाऊँगी. नायका का बनाऊँगी और अमेजोन का बनाऊँगी. डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ आइकॉनिक मेकअप स्टूडियो. मैं रिमाइंडर्स देती रहूँगी गाइज, क्योंकि आई एम वेरी मच एक्साइटेड. मैं अभी अपना स्टूडियो रेनोवेट करने वाली हूँ, उसके लिए भी जो जो चीज़ें प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं वो आपको बताती रहूँगी धीमे धीमे. सो यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं. आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो, गिविंग अ थम्स अप, शेयर इट, कमेंट एंड सब्सक्राइब.